नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा, दोस्तों अगर आप भी डोगमा सॉफ्ट आईडी यूज कर रहे हैं तो दोस्तों उसका सर्टिफिकेट आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि यहां पर आप अभी दोस्तों देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ऊपर में लिखा हुआ डोगमा सॉफ्ट लिमिटेड और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन आ चुका है सर्टिफिकेट का, और यहाँ पर आपका इशू डेट लिखा हुआ होगा और साइड में आपका वैलिडिटी लिखा होगा, यानी कि वैलिडिटी लिखा हुआ है दोस्तों इस सर्टिफिकेट का कितना दिन वैलिडिटी है, और ऊपर में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और नीचे आपका नेम होगा। जैसा अभी आप यहां पर देख रहे हैं मेरा नेम लिखा हुआ है, और आपका अगर रिटेलर आईडी है तो वो, अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है तो यहां पर आपको डीएसओ फ्रेंचाइज लिखा हुआ होगा, और आप कौन से स्टेट से वो स्टेट यहां पर लिखा हुआ होगा। तो दोस्तों इसे आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं इसके बारे में मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे, और इस वीडियो को देखने के बाद आप भी बहुत ही आसानी से अपने डोगमा सॉफ्ट आईडी को जो है दोस्तों सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इस चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड करे तो आपसे मिस ना हो। सबसे पहले दोस्तों आपको डोगमा सॉफ्ट आईडी में को लॉगिन कर लेना है। अगर दोस्तों आपको लॉगिन करने नहीं आता है तो इनसे पहले हम वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए, और उस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से अपने आईडी को इस तरीका से लॉगिन कर सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ थ्री लाइन पर क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन आ चुका है माई सर्टिफिकेट का, आपको सिंपली माई सर्टिफिकेट पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही माई सर्टिफिकेट पर आप क्लिक करते हैं दोस्तों, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो है यहाँ डोगमा सॉफ्ट लिमिटेड का सर्टिफिकेट आ चुका है। यहाँ पर आपका नेम लिखा हुआ होगा और यहाँ पर आपका डोगमा सॉफ्ट लिमिटेड लिखा हुआ है, और आपका आईडी यहाँ पर दोस्तों एक समझने की बात है, अगर आपका रिटेलर होगा तो यहाँ रिटेलर का ऑप्शन आएगा, अगर दोस्तों आपका डिस्ट्रीब्यूटर है तो डीएसओ फ्रेंचाइज लिखा हुआ होगा। जैसा कि मैं ऑलरेडी दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर आईडी यूज कर रहे हैं और मैं बिहार से हूँ तो यहाँ बिहार लिखा हुआ। अब इसे दोस्तों या तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आप इसे कहीं शेयर करना चाहते हैं तो इस शेयर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे यहाँ पर आप शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके मोबाइल का इस तरीका से ऑप्शन आ जाएगा। अब आप इसे जहाँ भी चाहे सेंड कर सकते हैं, जैसा अगर हम व्हाट्सएप पर सेंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हाट्सएप का ऑप्शन आ चुका है, अब हमको व्हाट्सएप पे क्लिक कर देना है, और जैसे ही व्हाट्सएप पे क्लिक करते हैं इस तरीका से आपका व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। अब आप जिसे भी चाहे उसे आसानी से यहाँ से भेज सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सक रहे हैं हम यहाँ पर भेजना चाहते हैं, उसके बाद यहाँ पर सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, और जैसे ही सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं उसके बाद देखिए इस तरीका से ऑप्शन आ जाएगा, और आपको यहाँ सेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, और जैसे ही क्लिक करते इस तरीका से ये सेंड हो जाएगा। तो इस तरीका से आप अपना जो है सर्टिफिकेट किसी को भी सेंड कर सकते हैं या अपने मोबाइल में गैलरी में डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों वीडियो समझ में आ गया होगा, ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पर चाहिए कॉमेंट करके बताएँ, ताकि मैं कोशिश करूँगा उस टॉपिक पर वीडियो बनाने का। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।